प्रस्ताव करते हैं गरीबों में, मेरे ही सारे पॉलिटिकल जर्नी में मैं अगर कहूँ दुनिया में अगर सबसे बढ़िया और सबसे पुण्य का काम अगर कोई हो सकता है तो वो बस मेरे हिसाब से खाना ही होगा। अभी आने के बाकी है, उनके आने तक आपको जो है तो थोड़ा थोड़ा इसी तरह का प्रोग्राम हम चलाते रहेंगे, उसके बाद आपका कॉम्पिटिशन शुरू हो जाएगा। आज के इस प्रोग्राम के अंदर जो लोग मौजूद है ये अपने अपने फील्ड के बाहर है, ये अलग अलग जो एक संगठनाओं से आते हैं, ये अलग अलग फील्ड के अंदर काम करते हैं, ये तमाम सोशल एक्टिविटीज के अंदर एक्टिव लोग हैं, ये वो है जो भूखे को खाना खिलाने का काम करते हैं, ये वो है जो नंगे को कपड़ा पहनाने का काम करते हैं, ये वो है जो बगैर छत वाले को छत देने का काम करते हैं। तो आपके सामने जो मंच पर खवातीन बैठी हुई है ये अपने अंदर एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। मैं चाहता हूँ आप तमाम लोग इन सारों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। दूसरा मैडम से दरख्वास्त करूंगा कि वो आगे बजाते हैं, उसके बाद मैं नेहा से दरख्वास्त करूंगा कि वो दीपाली मैडम का इस्तेमाल करें, खंडाले मैडम का इस्तेमाल करें, वो सानिया मैडम का इस्तेमाल करें, जरिए हमारे बीच में मौजूद रहती है। इसके बाद मैं नेहा से दरख्वास्त करूंगा दीपा, इसके बाद मैं मैडम से दरखास्त करूंगा कि वो जेबा वाकई करे, मैं नामित इस्पालक सैमन गीता मैडम भी मौजूद है, जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक है, आप बड़े सोशल अवेयर, किया मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। आए हम कंपटीशन की तरफ चलेंगे, मैं रुकैया मैडम का स्वागत के लिए बुशरा मैडम से दरखास्त करता हूं कि वो रुकैया मैडम का इस्तकबाल करें। तो हमने इसके लिए
देवगिरी कॉलेज के हमारे नौमान भाई, नौमान में कहा गए, नौमान भाई, हमने ये जिम्मेदारी उनपे दी हुई है, वो एक वेबसाइट बनाने वाले पूरा एक महीने के अंदर, और आपकी जितनी भी मेहंदी है वो मेहंदी आप उसमें डालेंगे, आपको घर बैठे बैठे हर शादी का प्रोग्राम के अंदर आपको पैसे मिलेंगे, यानी हमारी बेटी हर महीने 10 से 15 हजार रुपए कमा सकती। और ये काम की शुरुआत मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर से हुई है, और हर साल जैसा ये 2022 का प्रोग्राम है, जब तक हम जिंदा है 23, 24, 25, 26, 40, 50 जब तक रहेंगे, जब तक इंशाल्लाह हर साल प्रोग्राम करते रहेंगे, यानी हम भी लेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी भी लेंगी, इसलिए वो पीढ़ी बुलाया मैंने अंदर, मेरे पूरे बच्चे भी फैमिली से लाया कि वो लोगों भी सामने आ सके। कंपटीशन का मुकाबला रखा गया था और अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे से सबने पार्टिसिपेट किए कि इतना दिल खुश हो रहा था, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा डिजाइन अच्छा है, बोलकर सब तरफ देख देख के ऐसा लग रहा था कि ये अच्छा है, ये अच्छा है। बहुत अच्छे से आपने इतनी कम टाइम में मेहंदी डाले कि जज करना मुश्किल हो रहा था हमको। आज यहाँ पर जज बोलकर बुलाए थे, 25 नाम हम लोगों को निकालने थे यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से आप लोगों ने इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिए। मैं चाहती हूँ कि न सिर्फ मेहंदी बल्कि इसी तरह के जैसा मेहंदी एक कोर्स है जिसमें अगर आप पढ़े लिखे ना भी हो तो भी ये जरिया माश का एक जरिया है, जैसे अगर अभी हमें कोई बिजनेस शुरू करना हो तो उसके लिए हमें पहले पैसे लगाना पड़ता तो हम पैसे कमा सकते, लेकिन मेहंदी ऐसा एक आर्ट, ऐसा एक फन है कि जिसमें हम बिना पैसे लगाए के पैसा कमा सकते। और एक बात की हमारे पास 101 शादियां होते तो दुल्हनों को मेहंदियां डालने की रहती, तो अभी मेरे को कुछ बच्चियों की मेहंदियां यहाँ पर बहुत अच्छे लगे, मैं सर से बाद में कांटेक्ट करूंगी और कुछ बच्चियों का नंबर लूंगी। 101, 151 दुल्हनों को मेहंदियां डालने के रहते हैं हमारे पास, तो सर से भी कांटेक्ट करके आप लोगों के नंबर लूंगी और इंशाल्लाह आपसे मैं बाद में रब्ता कायम करूंगी। मैं ये चाहती हूँ कि न सिर्फ आप मेहंदी बल्कि इसी तरह के दूसरे जो कोर्सेस रहते हैं सिलाई कढ़ाई बुनाई उसमें भी हिस्सा लें, मेहनत करें, हिम्मत करें, हौसले से काम लें। जब इस तरह से खवातीन बहुत आगे आगे कुछ करने की कोशिश करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं पहले नगर सेवक थी तो जब भी मेरा ऐसा ख्वाब था कि मैं इनके लिए कुछ कर सकूँ बोल के, तो हमारे पास जो भी स्कीम रहती थी गवर्नमेंट की तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने की कोशिश करते थे, और इंशाल्लाह आगे भी मेरा ऐसा एक प्लान है कि मैं लड़कियों के लिए एक इदारा खोलूँ जिसमें गरीब बच्चों के लिए वो जरिया माश हासिल कर सके। उसके लिए इंशाल्लाह मैं यूसुफ सर से बात करके कुछ प्रोग्राम बनाऊंगी, हमारे पास हरसूल में बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पे हम कुछ ना कुछ खोलने की कोशिश इंशाल्लाह मिल चुके है ना। यस और नो, कौन कौन मिले? उपस्थित मंच पे हमारी गरीबी सोनिया जी, पूजा जी, परिगा जी, मेहंदी वाले भाई है बगैर मेहंदी के हाथ नहीं, तमाम लोगों से गुजारिश है कि महाराज आइए प्लीज, हाथ दिखा दिए मीडिया वालों को पूरे, जिसका हाथ है वो हाथ ऊपर करिए प्लीज। देखिए हर कैमरे के अंदर आपका हाथ होना चाहिए मेहंदी वाला, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज, हमें हाथ भाई है प्लीज, हाथ दिखना चाहिए, जितना हाथ दिखेगा उतना बड़ा इनाम मिलेगा, हाथ दिखाइए इनाम पाइए, मीडिया वाले को पूरा हाथ दिखना चाहिए, मीडिया हाउस वालों को पूरा हाथ दिखा दीजिए प्लीज, आपकी मेहंदी आपकी मेहनत मीडिया हाउसेस को दिखना चाहिए, ये पूरे औरंगाबाद शहर के लिए गर्व की बात है कि एक साथ इतने महिलाएं एक कंपटीशन कर रही है, बहुत खुशी की बात है, मीडिया हाउस वाले वास्ते बहुत ही बढ़िया गर्व की बात है। देखिए आप जाइए, आप कर दूंगा, और बाकी जो टीम है वो प्लीज बाहर आ जाइए प्लीज।
गुजर चुके हैं, तो जल्द से जल्द अपना अपना काम करने की कोशिश कीजिए और 20 मिनट 21 सेकंड आपके हाथ में बने बचे।
माथे से खाना मिलाकर सोशल वर्कर का हम करते हैं, तो आप उन महिलाओं को क्या संदेश देंगे कि जो आपके साथ जुड़े और वैसे ही आपके जैसे कार्य करें? मैं सब लेडीज़ को बताना चाहूँगी कि अगर आप में टैलेंट है तो आप अपने पैरों पर खुद खड़े हो सकते हैं। एक लेडी खुद ही इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती है, और मेरे को बहुत दिल से खुशी होती है मेरे हस्बैंड का वर्क देख के कि वो 8 साल से वही काम कर रहे हैं, कि हर लेडीज को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वो इसी काम पे मेहनत करते हैं और कोर्सेज पे वो इसी लेवल पे करते हैं कि हर लेडीज ने अपने पैर पे खड़ा हो, किसी और पे डिपेंड ना होना चाहिए। उसके पास खुद ही इतना टैलेंट रहता है, हर लेडीज को आप देखो, वो हाउस वाइफ हो या जॉब करती हो, हर लेडीज के पास टैलेंट होता है, बट उसके लिए मौका चाहिए। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि ऐसे हस्बैंड मेरे को मिले कि वो इतने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मैम, यूसुफ सर जो कार्य करते हैं, रोटी बैंक चलाते हैं, तो आप उनको कितना हेल्प करते हैं? मतलब देखो सर, मैं ना सिर्फ मेंटली रिलैक्स रखती हूँ, इस चीज़ के किचकिच मैम एक सवाल, पता है मेरे हस्बैंड का काम लेडीज नहीं है। मतलब इस रूप में कोई काम अगर करने का सोचते तो आपसे एडवाइस देते बैठ के? हाँ बिल्कुल, मेरे हस्बैंड मतलब मैं क्या बोलूँ, इतने अच्छे हैं कि वो ऐसा नहीं है, हर से मेरी बेटी हो तो मेरी सास हो तो मेरी बहन है नंदे हो कचरा हो तो ऐसा, मतलब मैं बहुत खुशनसीब हूँ ऐसे हस्बैंड। मैम ऐसा कहा जाता है कि हर हस्बैंड की कामयाबी के पीछे वाइफ का हाथ होता है, तो आपका कितना हाथ है? हम दोनों का अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा है, 100%। ओके थैंक यू, थैंक यू सर। जो मेहंदी का कॉम्पिटिशन रोटी बैंक की तरफ से रखा गया है, तो उसका सही मकसद क्या था उस बारे में? सर हम पिछले 8 साल से लेडीज के अंदर काम कर रहे हैं, और लेडीज के अंदर एक उत्साह रहता कि मैं कुछ करूं करके, और आप देखिए लेडीज को अगर उसके चेहरे में मुस्कुराहट देखना है तो खाली मेहंदी शब्द का आप इस्तेमाल करिए उसके चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती। आप देखिए, आप 2-2.5 घंटे से हमारे जजेस बैठे थे, नहीं तो जनरली कोई भी इतने काम धंधे लोग इतनी देर 3-3 घंटे प्रोग्राम में देते नहीं, मगर 3-3 घंटे से पूरे जजेस ने प्रोग्राम दिया, एक एक लड़की का हाथ चेक करा और उसके बाद उन्होंने पॉइंट्स दिए, और आप देखिए जितनी भी लेडीज़ यहाँ पर है सबके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कुराहट है। और हमारा उद्देश्य ये था इसके अंदर कि आप मेहंदी भी सीखिए और रोजगार भी कमाइए, तो रोजगार कमाने के लिए हम लोग ने जो है एक वेबसाइट का लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, जिसकी जिम्मेदारी हमने नौमान खान साहब को दी हुई है, नेक्स्ट मंथ तक के वो लॉन्च हो जाएंगी वेबसाइट, उसके अंदर आपको जो है तो रोजगार भी मिलेगा, हर लड़की को 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार महीने का रोजगार मिलेगा उसके अंदर आपको। सर आपने अभी जो फर्स्ट टाइम औरंगाबाद में मेहंदी का कॉम्पिटिशन रखा है, तो और दूसरे भी फील्ड है, तो आप और दूसरे कौन कौन से कॉम्पिटिशन? इसके बाद हम लोग ने जो है तो कुछ क्रिकेट के अंदर हम लोग जाने वाले, क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट डे नाइट का कराने वाले, इसके बाद में हम उसके अंदर हम लोग का जाने का प्रोग्राम है। सर अभी जो है आपके दिमाग में ये ऐसे जो कार्यक्रम जो आते हैं, तो ये कौन देता है आपको ये दिमाग? ज्यादा गरीबों में रहो, हर आपका कार्यक्रम देखते हैं हम, पूरा सक्सेसफुल होता है। थैंक यू वेरी मच। ज्यादा गरीबों में रहो, ज्यादा लोगों की परेशानी में रहो, तो आपको मालूम पड़ता है कि लोगों की एक्चुअली परेशानी क्या है। देखिए दो टाइप के लोग रहते हैं, एक पॉलिटिकल लोग रहते हैं जो खाली मफाद के लिए आपके कौम की बात करेंगे और काम कुछ नहीं करेंगे, एक लोग रहते हैं जो बेसिक ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, तो हम लोग की पूरी टीम ग्राउंड लेवल के ऊपर काम करती है और ग्राउंड लेवल पे लोगों को समझती है कि भाई लोगों को क्या चाहिए और हम लोगों की चाहत के हिसाब से लोगों को हम सामने प्रेजेंट करते हैं। ये कार्यक्रम कंटिन्यू रहेंगे आने वाले वक्त में भी? जब तक जिंदा हूँ, 2022 से कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है, तब तक जिंदा हूँ तब तक ये हर साल प्रोग्राम होते रहेंगे। क्या आपका पूरा नाम है? मेरा मोहम्मद यूसुफ मुकाती, रोटी बैंक सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।